अब जो इवेपोरेशन है उसका एक इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट वो होता है कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जहाँ भी आपका इवेपोरेशन होता है उस एरिया में आपका कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसीटोन अपने हाथ में रखो, एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर, तो जैसे जैसे आपका उसका अमाउंट कम होता रहेगा, वो इवेपोरेट होता रहेगा, वैसे वैसे आपको ठंडा फील होगा अपनी स्किन में। तो ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। मान लीजिए इस सरफेस में आपका लिक्विड है, ये लिक्विड एवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट होगा। अब गैस में कन्वर्ट होने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, तो ये जो एनर्जी होती है ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सराउंडिंग से। वाटर के पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेपोरेट होते हैं। बॉइलिंग में तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, हम हीट करते हैं, हम बॉईल करते हैं, तब आपका वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन एवेपोरेशन में अपने सराउंडिंग से जो लिक्विड है वो अपने आप ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके गेन करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आपका यहाँ से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इसका मतलब इस सरफेस में हीट कम हुई है, एनर्जी कम हुई है जो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली थी या लिक्विड ने एब्जॉर्ब कर ली थी। तो अगर इस सरफेस से हीट कम हुई है, एनर्जी लॉस हुआ है यहाँ पे, तो आपका ये सरफेस कैसा फील होगा? कूलर, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जहाँ भी इवेपोरेशन होता है, जिस भी सरफेस में, जिस भी सराउंडिंग में, उसके आसपास का एरिया या सरफेस हमेशा ठंडा हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जब हम नेल पॉलिश रिमूवर अपने पाम में रखते हैं, तो आपको नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन जिसे हम बोलते हैं, उसका बहुत कम टेम्परेचर में, वो अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो बहुत कम टेम्परेचर में ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट एट योर रूम टेम्परेचर। तो वेपोरेशन जब भी होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है, वो पार्टिकल्स एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? आपके स्किन से। तो आपकी स्किन से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन कैसे फील होगा आपको? आपको यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपको अपने पाम में कूलिंग फील होगी। वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड ड्यूरिंग हॉट सनी डे। आपने देखा होगा लोग अक्सर समर में या फिर सनी डेज में अपने घर की दीवारों में, छतों में या आसपास ग्राउंड में वाटर स्प्रिंकल करते हैं। इससे क्या होगा? जो वाटर है जब वो एवेपोरेट होगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा सरफेस से अपने, और आपका सरफेस कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, जिससे जो वॉल्स हैं वो ठंडी रहेंगी समर के टाइम में या सनी डे में। अब वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर? मान लीजिए आपकी स्किन है और ये कॉटन क्लॉथ है। कॉटन क्लॉथ में आप देखते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। अब समर में स्वेटिंग होती है, मान लीजिए स्वेटिंग है, तो आपका जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट या फिर वाटर होता है। तो ये आपका कॉटन क्लॉथ इस स्वेट को एब्जॉर्ब करके इस पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ एक्सपोज कर देगा। जो स्वेटिंग है, जो वॉट स्वेट है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अब एक्सपोज होने की वजह से ये वेपोरेट हो सकता है, ये अपने आसपास से स्किन से एनर्जी गेन करके बाहर की तरफ एवेपोरेट हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपकी स्किन से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली आपको थोड़ा ठंडा फील होगा या कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा,
स्वेटिंग आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ही होता है ताकि आपका टेम्परेचर लोअर कर सके हॉट या सनी डेज में। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? यहाँ पे ये कोल्ड है। अब आपने देखा होगा अगर आप एक फ्रिज से समर टाइम में अगर आप बॉटल निकाल के रख दो जो बहुत ठंडी हो, आप देखते हो और बॉटल की कैप पूरी सील है, ठीक है, बॉटल आपके अंदर से कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आ रहा, तो आप देखते हो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आपके ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं वाटर की सरफेस में। तो ये आपकी वाटर की ड्रॉप्स कहाँ से आती है? ऊपर तो आपका बॉटल का कैप बंद है, तो ये वाटर ड्रॉप्स जो आती हैं यह एटमॉस्फेयर से आती हैं। जनरली आपके एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है जब गैस को कूल किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। गैस को आप कूल कर डाउन करोगे, उसका टेम्परेचर कम करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सिमिलरली आपका ये जो वाटर वेपर्स आसपास प्रेजेंट हैं जब वो इस कोल्ड सरफेस में टच होंगे तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस सरफेस में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपका कंडेंसेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। यहाँ पे आपका कंडेंसेशन ही हो रहा है। अब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉजेस मोर कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने पढ़ा था मेल्टिंग के टाइम में जो आइस होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका आइस है जब वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। फर्दर आपका ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लेकिन जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होती है जैसे ही आपका आइस मेल्ट होता है लिक्विड में, जो लिक्विड आपको मिलेगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। अगर हम दोनों टच करें स्किन में तो आपको ज़्यादा ठंडा जो फीलिंग आएगी वो आएगी आइस से, या आपको ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों है? दोनों का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ऐसा इसीलिए है जैसे ही आइस आपके स्किन में टच होगी ये आपके, एक तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको ये कम टेम्परेचर तो फील होगा ही, इसके अलावा ये आइस आपके स्किन से हीट एब्जॉर्ब करेगी लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ ये आपकी स्किन से एक्स्ट्रा हीट और एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपके स्किन में एक्स्ट्रा हीट लॉस हो रहा है, इस वजह से आपको आइस ज़्यादा ठंडी फील होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि अगर वाटर आपके स्किन में टच होगा, वाटर तो ऑलरेडी आपके लिक्विड स्टेट में ही है, तो इसीलिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका फील होगा लेकिन एक्स्ट्रा हीट लॉस नहीं होगा। और कितना आपसे हीट एब्जॉर्ब करेगा? जितना आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। सेम चीज़ होती है आपकी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेस सिवियर बर्न देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम स्टीम की बात करें आपका लिक्विड बॉयल होता है, स्टीम बनती है आपकी, अगर वाटर का केस ले तो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेम्परेचर आपका स्टीम का भी 100 डिग्री है और वाटर का भी 100 डिग्री है। लेकिन जो ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट है वो आपको स्टीम के केस में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टीम ने हीट एब्जॉर्ब करी है, वाटर को हम हीट अप करते हैं, हीट देते हैं, तभी तो आपकी स्टीम बनती है। तो इसका मतलब स्टीम के पास ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट भी है, 100 डिग्री सेल्सियस है ही उसका, इसके अलावा उसके पास ये एक्स्ट्रा लेटेंट हीट भी है स्टोर्ड फॉर्म में। तो जब आप स्किन में टच होगा तो ही आपका जो स्टीम है वो आपको ज़्यादा बर्निंग ज़्यादा कॉज करेगी। अब जैसे ये स्टीम आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में आएगी ये लेटेंट हीट रिलीज करेगी, जो गैस है
अगर हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो आपकी हीट रिलीज होती है या कूल डाउन किया जाता है। तो जैसे आपका ये स्टीम स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो ये लेटेंट हीट जो उसने एब्जॉर्ब करी थी वो रिलीज आउट करेगा और ये स्टीम आपकी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ ये लेटेंट हीट और फील होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से ये स्टीम आपको, इसके ज़्यादा चांसेस हैं ये ज़्यादा सिवियर बर्निंग करे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में ही है, ये तो कन्वर्जन इसका तो होगा नहीं। तो आपका स्टीम जो है लेटेंट हीट रिलीज़ करता है जैसे आपके स्किन में के कांटेक्ट में आएगा और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए आपका स्टीम की वजह से ज़्यादा बर्निंग होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर एट लिक्विड स्टेट इन 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है वेपोरेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है वेपोरेशन और बॉइलिंग में, फिर हमने डिस्कस किया है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे आपके कैसे वेपोरेशन से कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, और फिर हमने डिस्कस किया आपका आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट देगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एट सेम टेम्परेचर दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सेम आपका जो स्टीम है वो ज़्यादा बर्निंग करेगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस।